जनक रुद्र प्रताप के घर पर है और गुरुजी स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे हैं एक बॉलीवुड नंबर पर, और जनक झूम रही है और गौर से देखती है गुरुजी कैसे सिखा रहे हैं सबको। देखा सबने? यस सर। आप लोग करके दिखाओगे एक बार? जी सर। ओके, अभी ये म्यूजिक प्ले कर दो। और अब स्टूडेंट्स की बारी है डांस करने की, जो गुरुजी सिखाए हैं उन्हें। पर ये क्या, झनक भी देखती है कि कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा स्टेप्स गुरुजी के सिखाए जाने पर भी। और अब गुरुजी नाराज होते हैं और क्या चल रहा है ये? कब से दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कितना प्रैक्टिस करवाया, ऐसा परफॉर्म करोगे तुम लोग? झनक तुम आओ यहाँ पर। अरे आओ आओ, टाइम वेस्ट मत करो, आओ। म्यूजिक। और अब म्यूजिक ऑन करवाते हैं गुरुजी, और झनक बखूबी करती है अपना डांस जैसा गुरुजी ने सिखाया था स्टूडेंट्स को। बस देखकर पकड़ ली सारे स्टेप्स और गुरुजी फूले नहीं समाते, इतनी बेहतरीन डांसर है झनक। वेरी गुड झनक, अमेजिंग। और तुम लोग देखो और सीखो, मैंने से एक बार भी ये डांस के स्टेप्स सिखाए नहीं है और ना ही टेक्निक बताई, लेकिन फिर भी इसने इतना जल्दी पकड़ लिया। और इससे ये पता चलता है कि ये कितनी अच्छी कलाकार है। और तुम लोगों को मैं दिन रात सिखाता हूँ, गलतियां भी बताता हूँ, उसके बाद भी तुम वो गलतियां रिपीट करते हो। अगर तुम्हें इस शो का हिस्सा बनना है तो तुम्हें डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना भूल जाओ कि तुम इसका सेकंड राउंड क्लियर कर पाओगे। और जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को गुरुजी की ये बात अखरती है, वहीं जाना मैं अब आगे के स्टेप सिखा रहा हूँ। कोई डांस नहीं होगा यहाँ। और तुम आ गई यहाँ सुबह सुबह डांस करने, पूछ सकती हो क्यों? वो गुरुजी ने मुझसे कहा था क्लास में शामिल होने के लिए। अच्छा, गुरुजी ने कहा था, पर मैंने तो नहीं कहा था ना। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ रिहर्सल्स करोगी और मैं तुम्हारे लिए किचन में खाना बनाऊंगी? और बस कई स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश हैं झनक की यहाँ भी बेइज्जती होते देख, पर गुरुजी को ये रास नहीं आती और झनक वो तो ऐसे ही सहमी सी है। अरे सारा दिन थोड़ी ना प्रैक्टिस करेगी, बाद में तुम्हारी हेल्प भी करेगी, और वैसे भी तुम तो रोज ही ये काम करती हो, खाना बनाती हो, ये तो बस आज ही आई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हम दोनों के लिए खाना बना सकती हूँ, पर मैं इसके लिए मेहनत क्यों करूंगी? और वैसे भी आज कुक की छुट्टी है। और जहाँ बाकी स्टूडेंट्स चुटकियाँ ले रहे हैं, वहीं झनक को बहुत बुरा लग रहा है। और तुम सब इनके भक्त बने फिरते हो ना? देखो अपने गुरुजी की करतूत, जान ना पहचान इस लड़की को घर उठा कर ले आए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कंपटीशन जीत जाएगी और इन्हें अपना मान सम्मान मिलेगा, जैसे कि पहली बार किसी को चांस दे रही है। मेरे स्टूडेंट के सामने ऐसी बातें करके क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारा? सबके सामने तमाशा करना बंद करो। सावधान रहो रुद्र, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अच्छा नहीं होगा। पर मियां बीवी की लड़ाई का मजा ले रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स। वैसे भी कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई है, ये सोचकर कि ये अनजान लड़की मेरे घर में रह रही है। और कुछ बोलना है तुम्हें? रुद्र आप ना तो सुन रहे हो ना समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रिहर्सल्स पे है, कुछ ही दिनों में इनका शो शुरू हो जाएगा और मुझे इनकी प्रैक्टिस करवानी, और तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। ओके, तो या तो ये यहाँ रिहर्सल करेगी या किचन में खाना बनाएगी, तुम डिसाइड कर लो। और एक बार फिर झनक अपने गुरुजी की ओर देखती है, उसके वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है उनको। पर क्या गुरुजी आज झनक को
खाना बनाने भेजेंगे या फिर पत्नी के खिलाफ जाकर उसे सिर्फ डांस प्रैक्टिस करवाएंगे। देखते रहिए आगे क्या होता है। तुम जानती हो ना कि असली स्टार तुम ही हो, तो स्टार डांसर ऑफ इंडिया शो में इंडिया की बेस्ट परफॉर्मर ही पार्ट नहीं लेगी तो कैसे चलेगा? उन्होंने तुम्हें डिले सेमीफाइनल्स में कम्पीट करने के लिए बुलाया है। अर्शी, हमें मुंबई जाना होगा। आज हमें 9 बजे पहुंचना है, ऑलरेडी 7 बज गए। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और आज अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। और अब शुरू होती है झनक की असली अग्नि परीक्षा, जहां शो टाइम में जिंदगी एक बार फिर मिलवाएगा उन लोगों से जिन्हें वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। तो क्या किस्मत एक बार फिर झनक की रुख को बदलेगा, या फिर झनक अब नहीं छोड़ेगी रुद्र प्रताप का हाथ और बढ़ेगी आगे एक चमकता सितारा बनकर? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है यहीं पर। तो बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वेलकम टू द सेमीफाइनल ऑफ स्टार डांसर ऑफ इंडिया। आज हमारे बीच आने वाली है एक स्पेशल कंटेस्टेंट कला के शहर कोलकाता से। कोलकाता?